एक चीज तो तय है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को मैच होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जय शाह ने ये बता दिया कि मैच में शेड्यूल में चेंजेस तो होंगे वर्ल्ड कप के। इसमें मैं समझता हूँ कि भारत की जिसको कहते हैं ना कमी है कि उन्होंने शेड्यूल को सही नहीं बनाया, उनको पता नहीं था कि इतना बड़ा फेस्टिवल है गुजरात के अंदर स्पेशली और वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच रखा। अब अगर बात करें क्योंकि मैच तो चेंज होना है, अब पाकिस्तान कैसे इंडिया के साथ 14 अक्टूबर को, जो भारत कह रहा है कि 14 अक्टूबर को खेलना है, वो कैसे खेलेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस है। क्योंकि अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को 14 अक्टूबर पे शिफ्ट करते हैं तो फिर आपको शेड्यूल में काफी सारे चेंजेस करने पड़ने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन भी बताऊंगा, मैं आपको पहले बताता हूं कमियां कि आप क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहली वजह, ब्रॉडकास्टर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का दिन संडे बुक था, एक एडवर्टीजमेंट के 30 लाख रुपए 10 सेकंड के ले रहे हैं ब्रॉडकास्टर। अब वो आप उस मैच को सैटरडे पे ले आओगे जिस दिन ऑलरेडी दो बड़े मैचेस हैं, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ये तीन नेशन ऐसी हैं जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को बड़ा गौर से देखते हो। तकरीबन करोड़ों के अंदर पाकिस्तान की और इंडिया की मैच की व्यूअरशिप कम होगी अगर आपने 14 अक्टूबर को तीन मैचेस एक साथ करवा दिए, तो ब्रॉडकास्टर तो कभी नहीं मानेगा। और दूसरी बात ये, अगर ये 14 अक्टूबर को तीन मैचेस करवा भी देते हैं तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान, जो कि 12 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का हैदराबाद के अंदर मैच है, वो हैदराबाद से अहमदाबाद आएगा 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को इंडिया के साथ मैच खेलेगा अहमदाबाद के अंदर विदाउट एनी प्रैक्टिस, वो भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर, पहली दफा स्टेडियम के अंदर जाएंगे और इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। तो बात यह है कि अगर बीसीसीआई मैच को शिफ्ट कर रहा है, जो कि उन्होंने करना है 14 अक्टूबर को वो कर रहे हैं, तो फिर इनको शेड्यूल के अंदर काफी सारे चेंजेस करने पड़ने हैं। अब वो काफी सारे चेंजेस क्या हो सकते हैं, जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है ना, 20 अक्टूबर तक काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं। वो क्या है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच कर दिया, अब आपको दो चीजें और करनी पड़नी है, अब आपको काफी सारे मैचेस शिफ्ट करने पड़ने हैं। अब जो 14 अक्टूबर को ऑलरेडी मैच है इंग्लैंड वर्सेज अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड वर्सेज बांग्लादेश का, आप उसको संडे पे शिफ्ट कर दो, उसको ले जाओ संडे के अंदर, और सैटरडे का कर दो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, क्योंकि आप संडे को उनका मैच कर सकते हो, क्योंकि उनके जो अगले मैचेस हैं वो है 18 और 19 तारीख को, तो वो खेल सकते हैं, दो दिन का उनके पास ब्रेक है। लेकिन मसला ये आता है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का 12 अक्टूबर को ऑलरेडी मैच है, तो फिर आप उस मैच को कैसे हैंडल करोगे। तो इसका भी सोल्यूशन बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा है 6 अक्टूबर को, हैदराबाद के अंदर नीदरलैंड के खिलाफ, अगला मैच है पाकिस्तान का 12 अक्टूबर को, 6 दिन का वक्फा आ गया, आपको अब ये कोड चेंज करना पड़ना है। अब आपको पाकिस्तान का जो मैच है ना 12 अक्टूबर वाला, उसको आपको लेके जाना पड़ना है 10 अक्टूबर वाले मैच के अंदर। 10 अक्टूबर को मैच है इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का, अगेन इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, इन दो टीमों के मैचेस अफेक्ट हो रहे हैं, अब इनको आपको शिफ्ट करना पड़ना है 12 अक्टूबर में, और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो मैच है वो आपको शिफ्ट करना है 10 अक्टूबर में। इससे क्या होगा ना, श्रीलंका को इशू होगा क्योंकि उनका भी जो मैचेस हैं वो आगे पीछे दूर दूर है, और पाकिस्तान के भी आगे पीछे जो मैचेस हैं वो दूर दूर है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो दो मैचेस हैं उनको शफल करना पड़ना है, आपको पीछे लेकर आना पड़ना है। पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के 12 से 10 कर दें और पाकिस्तान वर्सेज इंडिया को 15 से 14 कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो शेड्यूल है ना उसमें थोड़ी सेंस आएगी और टीमें खेल सकती हैं। तो ये तो एक सिनेरियो हो गया, और किसी को कोई मसला नहीं होगा क्योंकि हर एक का मैच फिर दो दिन का मिनिमम गैप हर एक के मैच के अंदर होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप 14 तारीख को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच करवा सकते हैं, उन दो मैचेस को आप संडे में शिफ्ट कर दें, और पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका वाले मैच को आप कर दें जी 10 अक्टूबर में, 10 अक्टूबर वाले मैच को आप कर दें 12 अक्टूबर में शिफ्ट कर दें। तो इससे सिनेरियो सारा क्लियर हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है, अब वो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने अगर करवाना ही है मैच, ज्यादा सारे खिलाड़ी नहीं डालने आपने, तो फिर सिंपल सा सिनेरियो है, आप 15 अक्टूबर को जो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, संडे को जो मैच है उसको आप ले जाओ फ्राइडे के ऊपर 6 अक्टूबर वाले मैच में, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड वाले मैच में, और पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड वाले मैच को आप शिफ्ट कर दो 15 अक्टूबर में। अब इससे एक और मुसीबत आएगी, वो ये है कि नीदरलैंड को सिर्फ एक दिन का गैप मिलेगा क्योंकि उनका जो अगला मैच है 17 अक्टूबर को है साउथ अफ्रीका के साथ, तो थोड़ी नीदरलैंड को मसला होगा, ये भी एक सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर आप एक और चीज को मद्देनजर रखना, अगर आप पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वाले मैच को 12 अक्टूबर से 10 अक्टूबर पे शिफ्ट करते हो, तो उससे ये होगा कि जो 10 अक्टूबर को मैच होगा तो ऑलरेडी वहां पे 9 अक्टूबर को हैदराबाद के अंदर ही मैच है, तो 10 अक्टूबर को दोबारा हैदराबाद के अंदर मैच होगा, तो मतलब दो दिन एक ही वेन्यू के ऊपर मैच होंगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़नी है, शेड्यूल बड़ा बारीकी का शेड्यूल है। एक तो इतने अरसे बाद बीसीसीआई ने शेड्यूल लॉन्च किया, उसके बाद उसमें भी जिसको कहते हैं ना मसले आ रहे हैं। तो मैंने आपको एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताया कि अगर आपकी नजर के अंदर कोई और सोल्यूशन हो इस स्वैप वाले तरीके के अलावा तो आपने जरूर बताना है। जो मैंने शेड्यूल बताया इसके तहत ये होगा कि ना ऑस्ट्रेलिया को मसला होना है, ना श्रीलंका को मसला होना है, इंग्लैंड बांग्लादेश
बांग्लादेश अफगानिस्तान न्यूजीलैंड इनको भी नहीं मसला होना और ना इंडिया को मसला होना है। इंडिया अपना जिसको कहते हैं ना मैच पाकिस्तान के साथ 14 अक्टूबर को खेल सकता है, उससे पहले उन्होंने खेलना है जी अपना मैच खेलना है 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ, और उससे पहले उन्होंने 8 तारीख को अपना मैच खेलना है किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो उनको भी नहीं इशू होना, पाकिस्तान को भी नहीं इशू होना और ये शेड्यूल चल जाएगा आराम से। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। जय शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो क्लियर कर दिया था कि शेड्यूल में 3 से 4 टीमों के मैचेस को चेंजेस किया जाएगा, तो वो वही चीज होगी जो मैंने आपको बता दी अभी, जो क्लियर मैंने आपको किया। तो ये वाले जो कहते हैं ना मैचेस चेंज हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो गलती तो हुई है, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस बढ़े हुए, लोग मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि सर कोई तरीका बताएं कि कैसे अपने टिकट्स को वापस करें, कैसे पैसे वापस आए, क्योंकि नॉन रिफंडेबल टिकट्स ही बुकिंग हो चुकी है होटल की, होटल वाले पैसे नहीं वापस दे रहे, 15 अक्टूबर की जगह अगर 14 अक्टूबर कर दिया तो बेचारे बड़े ज्यादा लोगों का नुकसान है, लेकिन इनको ये चीज समझ नहीं आ रही, उन्होंने बड़ी बड़ी गलती कर दी। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। सबसे बेस्ट सोल्यूशन मेरी नजर के अंदर यही है कि 15 अक्टूबर वाले दिन अहमदाबाद के अंदर आप दूसरे शहरों की भी जिसको कहते हैं ना सिक्योरिटी को बुला लो और वहां पे मैच सुकून से करवा दो, कुछ नहीं होगा। हाँ जहां तो इशू आता है कि वहां के लोग 1 लाख बंदा मैच देखने कैसे आएगा इतने बड़े फेस्टिवल के अंदर, तो ये आपका इशू जेन्युइन है क्योंकि जगह जगह लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो ये भी बनता है, एक पॉइंट बनता है। लेकिन फिर भी अगर मुसीबतों से बचना तो आप कर सकते हैं, वरना तो आपके पास यही जैसे कहते हैं ना सिनेरियो बचा है।